आज हम करेंगे द सेल्फिश जायंट का पार्ट टू। स्टार्ट करते हैं। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्फ विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स। द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, एस्पेशली अ लिटल बॉय हुम ही लव्ड डियरली। द लिटल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर। ये था स्टोरी का समरी। अब हम करेंगे वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन। He saw a most wonderful sight. उसने बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। He यानी giant, giant ने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. उसने देखा कि दीवार में एक छेद है और उसमें से बच्चे रेंग कर उसके गार्डन में जा रहे थे। And they were sitting in the branches of the trees. और वो पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए थे। In every tree that he could see, there was a little child. और हर एक पेड़ पर जहाँ तक वो देख सकता था, there was a little child. वहाँ पर एक छोटा बच्चा था। And the trees were so glad to have the children back again and that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. And the trees were so glad to have the children back again. अब पेड़ जो थे वो इतने खुश थे उन बच्चों को वापस वहाँ पर देखकर, that they had covered themselves with blossoms, कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से फूलों से ढांप लिया था। And were waving their arms gently, और प्यार से उन बच्चों के सिर को सहला रहे थे। The birds were flying about and twittering with delight and the flowers were looking up through the green grass and laughing. Twittering होता है चहचहाना। The birds were flying about and twittering with delight. अब पक्षी जो थे वो भी खुश होकर चहचहा रहे थे। And the flowers, और जो फूल थे, were looking up through the green grass and laughing, वो भी हरी भरी घास में से ऊपर की ओर देखकर हंस रहे थे। It was a lovely scene, बहुत सुंदर दृश्य था। Only in one corner it was still winter, केवल एक कोने में अभी भी ठंड या पाला मौजूद था। It was the farthest corner of the garden, और ये उस बगीचे का बिल्कुल कोने वाला क्षेत्र था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और वहाँ पर एक छोटा बच्चा, छोटा लड़का खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली। वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की शाखाओं पर चढ़ नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, और वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, क्राइंग बिटरली, बहुत बुरी तरह से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, और ये जो बेचारा पेड़ था वो अभी भी धुंध और बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और अभी भी उत्तरी हवा जो थी उस पर बह रही थी और उस पर गर्जना कर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेट द ट्री एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टाइनी। अब जो पेड़ है उसने कहा क्लाइंब अप लिटिल बॉय, छोटे लड़के तुम पेड़ पर चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और उसने अपनी शाखाएं इतनी नीचे तक वो, जितनी नीचे तक वो कर सकता था उतनी नीचे तक उसने कर दी। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, पर बच्चा जो था वो बहुत ही छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, अब जो दानव था या राक्षस था उसका हृदय जो था वो पिघल गया। एज ही लुक्ड आउट, जैसे उसने उसको देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड, उसने कहा मैं कितना स्वार्थी हूँ। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मुझे पता चला कि बसंत ऋतु यहाँ पर क्यों नहीं आती। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे लड़के को उस पेड़ के चोटी पर बिठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं ये दीवार गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा जो बाग है या मेरा जो गार्डन बगीचा है ये हमेशा बच्चों के लिए खेल का मैदान रहेगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, अब उसे अपने किए का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। सो ही क्रैप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, तो उसने क्या किया वो नीचे सीढ़ियों से उतरा, ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और उसने धीरे से सामने का दरवाज़ा खोल दिया। एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और बाहर बगीचे में चला गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन दैट दे ऑल रैन अवे, पर बच्चों ने जैसे उसको देखा तो वो सारे डर गए और भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और दोबारा से वहाँ पर पूरे बगीचे में ठंड आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिडंट रन,
केवल वो जो छोटा बच्चा था वो नहीं भागा, फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिडंट सी द जायंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी तो उसको वो राक्षस अपनी ओर आता हुआ नहीं दिखाई दिया. एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इन टू द ट्री. और उस राक्षस ने स्टोल अप बिहाइंड हिम, चोरी से चुपके से उसके पीछे गया, टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड और उसको बड़े प्यार से अपने हाथों से उठाया एंड पुट हिम अप इन टू द ट्री और उसको पेड़ के ऊपर बिठा दिया. एंड द ट्री ब्रॉक एट वंस इन टू ब्लॉसम, और वो पेड़ भी एकदम से फूलों से भर गया. एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और पक्षी भी वहाँ पर आ गए और गाने लगे. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. अब जो छोटा बच्चा था उसने भी अपनी बाहें जो थी वो उस giant के गर्दन के दोनों तरफ फैला दी and kissed him, और उसे किस किया. and the other children, और दूसरे बच्चे जो थे, when they saw that the giant was not wicked any longer, जब उन्होंने देखा कि giant जो था, राक्षस जो था, अब इतना दुष्ट, wicked means दुष्ट नहीं रहा था, came running, तो वो भी भाग कर वापस आ गए. एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ ही स्प्रिंग सीजन भी आ गया, यानी बसंत ऋतु भी आ गई. इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जायंट एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल. अब जो जायंट था, राक्षस जो था, उसने कहा ये तुम्हारा बगीचा है छोटे बच्चों. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, और उसने बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और उस दीवार को गिरा दिया. एंड वेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. और जब लोग 12 बजे मार्केट जा रहे थे, बाजार जा रहे थे, तो उन्होंने पाया द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, कि जो राक्षस था वो बच्चों के साथ खेल रहा था, इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और इससे खूबसूरत बगीचा जो है उन्होंने पहले नहीं देखा था. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन वो खेलते रहे. एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को उन्होंने उसे, राक्षस को, अलविदा कहा. बट वेर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, वो तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, राक्षस ने पूछा. द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो बच्चा जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था. द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, अब जायंट जो था, राक्षस जो था, वो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करने लगा था, पसंद करने लगा था, बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने भी उसको किस किया था. वी डोंट नो, आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया कि हमें नहीं पता. ही हैज़ गोन अवे, वो कहीं चला गया है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सेड द जायंट, अब जो राक्षस था उसने कहा कि उसको बता देना, टू बी श्योर, पक्का से बता देना, एंड कम टुमारो, और कल खेलने जरूर आना. बट द चिल्ड्रन सेड दे डिडंट नो वेयर ही लिव्ड, पर बच्चों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो छोटा बच्चा कहाँ रहता है. ही हैड नेवर सीन हिम बिफोर, where he lived and had never seen him before, उन्होंने उसको पहले कभी देखा भी नहीं था. एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, अब इस बात से राक्षस को बहुत उदासी हुई, यानी उदास हो गया वो ये बात सुनकर. एवरी आफ्टरनून, और हर एक दोपहर बाद, when school was over, जब स्कूल बंद हो जाता था, the children came, बच्चे आते थे and played with the giant, और राक्षस के साथ खेलते थे. But the little boy whom the giant loved was never seen again, पर वो छोटा लड़का जिसे राक्षस बहुत चाहने लगा था वो दोबारा दिखाई नहीं दिया. द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, अब ये जो राक्षस था ये सभी बच्चों से बहुत दयालुतापूर्ण व्यवहार करता था. येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ओफन स्पोक ऑफ हिम, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज़ टू से, पर वो अभी भी, he longed for his little friend, अभी भी वो उस अपने छोटे दोस्त से मिलना चाहता था, उसके बारे में आमतौर पर बात करता था और सोचता था. he used to say, कहता था, how I would like to see him, कि मैं उससे कितना ज़्यादा मिलना चाहता हूँ. years went by, और इस तरह से सालों बीत गए. and the giant grew very old and feeble, और वो जो राक्षस था वो भी बहुत बूढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया. he could not play about anymore, अब वो ज़्यादा खेल नहीं पाता था. so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden, तो वो एक बड़ी सी armchair, आरामदायक कुर्सी पर बैठा रहता था और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था और बगीचे की प्रशंसा करता था. I have many beautiful flowers, वो कहता था कि मेरे पास बहुत खूबसूरत
फ्लावर्स हैं, फूल हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, पर बच्चे जो हैं वो सबसे खूबसूरत फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक सर्दियों में एक सुबह ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, एज ही वॉज ड्रेसिंग, जैसे कि वो तैयार हो रहा था। ही डिडंट हेट द विंटर नाउ, अब उसे विंटर से सर्दियों से भी घृणा नहीं होती थी, फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि अब स्प्रिंग सीजन जो है वो आराम कर रहा है, बसंत ऋतु जो है वो आराम कर रही है, दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फूल भी आराम कर रहे हैं, सोए हुए हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वॉन्डर एंड लुक्ड, अचानक ही उसने अपनी आंखों को मला और बहुत हैरानी से देखता रह गया। इट सर्टनली वॉज ए मार्वलस साइट, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, उसने देखा कि कोने में उसके बगीचे के कोने में जो पेड़ था वो बिल्कुल सफ़ेद फूलों से भरा हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, और इसकी जो टहनियाँ थी वो सुनहरी हो गई थी, एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और चमकीले जो फल थे उसके उस पर आ गए थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वही लड़का खड़ा था जिसे वो बहुत चाहता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इन टू द गार्डन, अब जो जायंट था, राक्षस जो था, वो भाग कर सीढ़ियों से उतरा और बहुत खुश होते हुए कहाँ पहुँच गया, बगीचे में। ही हेसंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड, जल्दी से उसने उस बगीचे को, उस घास को कवर किया, यानी भाग कर वो घास के ऊपर से निकला और उस बच्चे के पास पहुंच गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, पर जैसे ही वो उस बच्चे के पास पहुंचा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैथ डेयर टू वाउंड दी, फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, ये किसने करने की दुस्साहस किया, या ये चोट किसने तुम्हें पहुँचाई, फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, क्योंकि उस बच्चे की दोनों हथेलियों पर 2 किलों के निशान थे, और इसी तरह से 2 किलों के निशान उसके छोटे छोटे पैरों पर भी थे। Who had dared to wound thee? cried the giant. Giant ने बहुत चिल्लाकर कहा कि किसने दुस्साहस किया तुम्हें घायल करने का, टेल मी, मुझे बताओ, that I may take my big sword and slay him. मैं अपनी बड़ी सी तलवार लेकर जाऊँगा और उसका वध कर दूँगा। ने answered the child, अब बच्चे ने जवाब दिया, ने means no, नहीं, but these are the wounds of love, क्योंकि ये तो प्यार के घाव हैं। Who art thou? said the giant. And a strange awe fell on him and he knelt before the little child. तुम कौन हो? said the giant. Giant ने कहा, and a strange awe fell on him. एक अजीब भय उसके चेहरे पर फैल गया. And he knelt before the little child. और वो उस छोटे बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गया. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेट टू हिम, अब वो बच्चा जो है वो राक्षस की तरफ मुस्कुराया, एंड सेट टू हिम, और उसे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे अपने गार्डन में, बगीचे में खेलने दिया था एक बार, टूडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में आओगे विच इज़ पैराडाइज, जो कि एक स्वर्ग है। एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और उस दिन जब बच्चे दोपहर बाद बगीचे में भाग कर पहुँचे तो उन्होंने पाया, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, कि वो जायंट जो था, राक्षस जो था, वो पेड़ के नीचे मरा हुआ, मृत पड़ा हुआ था, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और उसके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल पड़े हुए थे, यानी सफ़ेद रंग के फूलों ने उसको ढका हुआ था। ठीक है बेटा, थैंक यू।